हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं माधवी रश्मि। आज की वीडियो में भी जो डिज़ाइन है वो भी ट्रिक वाला है और बहुत ही इजी है। आप ईद में लगाइए या राखी में लगाइए, किसी चीज़ में भी लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और इतना सिंपल है कि जब आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। सर्कल का जो खाली रोल होता है वो मैंने बचा के रख लिया था अपने पास कि मैं उससे सर्कल बना सकूँ, और ढक्कन की हेल्प से मैंने छोटा सर्कल बना दिया। उसके बाद देख सकते हैं मैंने डॉट लगा के सीधा लाइनिंग की है, वो बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप बड़ी इजीली तरीके से इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा देखिए अगर आप मेहंदी सीख रही हैं। और आपको मेहंदी अगर बिल्कुल भी नहीं लगानी आती है ना, तो एक बार इस वीडियो को देख के आप अपने घर में ट्राई कीजिए। मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि आपके लिए मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा मेहंदी लगाना। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये मैंने आइसक्रीम की स्टिक ली है और किनारे किनारे पे बस आउटलाइनिंग कर ली है और अपने हाथों पे छाप दिया है। और देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी लाइनिंग बन के तैयार हो गई है। थोड़ा छापने में कभी कभी हाथ इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है, बट जैसे जैसे आप मेहंदी के डिज़ाइन को कम्प्लीट करेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बस, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिए, वरना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, प्लीज़ 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 कमेंट करके आपको इजी लगा या नहीं लगा। वैसे तो मैं जितने भी वीडियो डाल रही हूँ, मोस्टली जितने भी डाले हैं मैंने इस बीच, वो सारे मैंने रक्षाबंधन और ईद के लिए ही डाले हैं। 30 तो निकल गई, तो फिलहाल अभी ईद और रक्षाबंधन है, तो बस इसलिए मैंने जितने भी डाले हैं गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, और वैसे बच्चों के लिए भी आई है रिक्वेस्ट, जैसे मुझे कोई बच्चा मिलता है मैं फटाफट लगाऊंगी मेहंदी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। आपने देखा जो आइसक्रीम की स्टिक थी उससे मैंने नीचे की तरफ भी, जो कलाई की तरफ है उसमें भी मैंने लाइनिंग की थी, वो भी बहुत इजी है। उसकी हेल्प से एक फ़ायदा बस यही हुआ है कि लाइन थोड़ी सी बराबर हो गई है। अगर हम मेहंदी सीख रहे हैं तो बस बता रही हूँ मैं, वरना मैं यही कहूँगी कि आप अपनी तरफ से लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जो फिंगर में मैंने मेहंदी लगाई है, जो डिज़ाइन अप्लाई किया है, वो पहले मैंने एक जो फिंगर है उसमें थोड़ा सा चेंज है, उसके बाद सारे फिंगर में बिल्कुल सेम है। और फ्रेंड्स, सच्ची बताऊँ, लगने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इतना सिंपल है कि आप देख ही सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है, मेहंदी का डिज़ाइन और ट्रिक पसंद आई है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आप सुन रहे होंगे कि जो बेबी है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, मैं उसको अपने साथ में ही लेके बैठी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मुझे शायद वीडियो क्लोज़ करना चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय बाय।